इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी के किनारे बसा बुरहानपुर, ये मुगल शासन के दौरान एक समृद्ध शहर था। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। इस जगह की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सन 1600 में अकबर ने बुरहानपुर पर विजय प्राप्त की थी, तभी से अहमदनगर के खिलाफ मुगलों की सैन्य कार्रवाई का ये गढ़ बन गया था, जो कि जहांगीर और शाहजहां के समय में भी जारी रहा। इन्हीं सभी वजहों से बुरहानपुर एक तरह से मुगलों की दूसरी राजधानी बन गया था। उसी काल में इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाने लगा। अकबर के समय लिखी गई अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में बुरहानपुर को एक बहुत बड़ा शहर बताया गया है, जहां कई बाग बगीचे थे और बहुत सारे दस्तकार रहा करते थे। 1668 में एक फ्रेंच ट्रैवलर हुआ करते थे ट्रावनिया, जिन्होंने बुरहानपुर का दौरा किया और अपनी एक किताब में लिखा कि उस समय यहाँ पर फूलदार रेशम, जरी और मलमल का कपड़ा काफी मशहूर था। ये इतना फेमस हुआ करता था कि उसे यहाँ बुरहानपुर से पर्शिया, इजिप्ट, टर्की, रशिया और यहाँ तक कि पोलैंड में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन बुरहानपुर की जो सबसे खास चीज थी वो थी यहाँ की मुमताज महल। जी हाँ, ये वही मुमताज हैं जिनके लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। बुरहानपुर सबसे ज्यादा मशहूर है मुमताज महल के नाम से, वही मुमताज महल जो मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी और जिनकी याद में शाहजहां ने आगरा का नायाब ताजमहल बनवाया। मुमताज महल ने शाहजहां के साथ बुरहानपुर में कई साल गुजारे। शाहजहां यहां मुगल शासन के खिलाफ हुई बगावत को कुचलने गए थे। मुमताज महल उस वक्त गर्भवती थी। अपने बुरहानपुर प्रवास के दौरान मुमताज महल इसी बादशाही किले में रुकी थी। चौदहवीं से 16वीं शताब्दी तक बुरहानपुर की सत्ता पर काबिज रहने वाले फारूकी शासकों ने इस किले के ज्यादातर हिस्सों को बनवाया था। बाद में शाहजहां और जहांगीर ने भी यहां कुछ निर्माण करवाया और इस किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए गए। ये किला सबसे ज्यादा अपने जनाना हमाम यानी शाही स्नान घर के लिए मशहूर है, जिसे मुमताज महल के लिए ही बनवाया गया था। अगर स्थानीय कहावतों की माने तो इस हमाम में आज के आधुनिक स्पा से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। इस हमाम में गर्म और ठंडे पानी के स्रोत थे, फव्वारे और मालिश की व्यवस्था थी और सुगंधित पानी की टंकी भी। यहां तक कि इसकी छत में हीरे जड़े थे। बुरहानपुर में मुमताज महल से जुड़ा एक और स्मारक है जिसका नाम है अहूखाना। अहूखाना यानी हिरणों का बाग।
ये जगह फारूकी और मुगल शासन के दौरान शिकारगाह थी। शाही परिवार के लोग इसी जगह पर हिरनों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। थक जाने पर इसी महल में आराम फरमाते थे। इस इमारत को कहते हैं बारादरी, क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं। इसके ठीक सामने बना हुआ है पानी का एक कुंड और इसके बीचों बीच में है एक चबूतरा। 1631 में जब बेगम मुमताज महल की अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी, तो उनके पार्थिव शरीर को यही लेप लगाकर रखा गया था करीब 6 महीने तक। इतिहास गवाह है कि शाहजहां इसी जगह पर बेगम मुमताज महल की याद में ताज महल बनवाना चाहते थे। इस योजना पर काम भी शुरू हुआ और अहू खाने के चारों ओर यहाँ दीवार भी बनवा दी गई। लेकिन संगमरमर की खदानें दूर होने की वजह से ताज महल आखिरकार आगरा में ही बनवाया गया। इसे इतिहास का संयोग ही कहेंगे कि कई बुनियादी दिक्कतों की वजह से ताजमहल को बुरहानपुर की जगह आगरा में बनवाया गया, लेकिन फिर भी बुरहानपुर में मुमताज महल और मुगलों से जुड़ी हुई कई ऐसी निशानियां हैं जिन्हें देखने के लिए आप बुरहानपुर जरूर आना चाहेंगे।